नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मरीज खारी आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन इग्निशिया के बारे में, जिसका पूरा नाम इग्निशिया अमारा होता है। दोस्तों, इग्निशिया मेडिसिन बच्चों और लेडीज में होने वाले हिस्टीरिया रोग के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, हिस्टीरिया डिजीज एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। दोस्तों, हिस्टीरिया रोग के होने पर इग्निशिया के कौन से सिम्टम्स आते हैं, यानी इग्निशिया किन सिम्टम्स में देनी चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पेशेंट का नेचर बदलने के साथ साथ रोगी चिंता, शोक और अपने ही विचारों में खोया रहता है। पेशेंट का गंभीर स्वभाव होना, दुखी रहना और गुस्सा ज़्यादा करना आदि लक्षण होते हैं। दोस्तों, रोगी कितना भी दुखी हो, वो अपनी बातें दूसरे लोगों से शेयर नहीं करता है। दोस्तों, पेशेंट की लोगों से बात करने की इच्छा नहीं रहती है, सिसकिया भरता रहता है। शोक निराशा के लक्षणों में इग्निशिया बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, हिस्टीरिया रोग में ज़्यादातर उन लेडीज़ को यह मेडिसिन सूट आती है जो सुशील, अधिक कार्य करने वाली और नाजुक होती हैं। दोस्तों, हिस्टीरिया रोग लेडीज में होने वाला ऐसा रोग होता है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल रहता है। हिस्टीरिया रोग ऐसी स्त्रियों में होता है जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बात बात पर उत्तेजित हो जाती हैं। दोस्तों, मेंटली और फिजिकली ग्रोथ में जो रुकावट पैदा होती है, उसके बाद पेशेंट में जो नेचर चेंज होता है, उसमें यह मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट हमेशा दूसरे की बातों का विरोध करता है। दोस्तों, यह दवाई शोक और चिंता आदि को दूर करने में बहुत लाभकारी रहती है। दोस्तों, रोगी में हिस्टीरिया रोग के जो सिम्टम्स पैदा होते हैं, उनके पीछे कुछ कारण होते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बैड न्यूज़ सुनने से रोगी को सिम्टम्स पैदा होते हैं, परेशानी बढ़ती है। गुस्सा करने के बाद पेशेंट को परेशानी होती है। डिसअपॉइंटेड लव में ऐसा देखने को मिलता है। पेशेंट को शर्मिंदा होने पर परेशानी बढ़ती है। दोस्तों, पेशेंट का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि वह हंसने के तुरंत बाद रोने लग जाती है। दोस्तों, पेशेंट की मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि एक टाइम वह बहुत खुश होती है, अगले ही पल उसे परेशानी होने लगती है, वह दुखी हो जाती है। पेशेंट हमेशा अकेली रहना चाहती है, मूडी टाइप की होती है। पेशेंट की मेमोरी बहुत वीक होती है, पेशेंट सेंसिटिव बहुत होती है। दोस्तों, रोगी के सिम्टम्स अगर और देखे जाएं तो रोगी फियरफुल, टिमिड, बिजी और रेस्टलेस होता है। दोस्तों, पेशेंट इतना रेस्टलेस होता है कि उससे बोलने और लिखने पर मिस्टेक होती रहती है। दोस्तों, रोगी को हिस्टीरिया रोग होने पर साथ ही सिर दर्द भी होता है। सिर दर्द अक्सर तंबाकू खाने, गुस्सा करने, दुखी रहने से पड़ता है। सर में जकड़न महसूस होती है, सर भारी भारी लगता है। दोस्तों, पेशेंट को कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आती है, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इग्निशिया मेडिसिन ज़्यादातर 30 CH और 200 CH 1 potency में यूज़ की जाती है। दोस्तों, इग्निशिया या होम्योपैथिक की किसी भी मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही खानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी नई या पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं और आप इसका होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज ले सकते हैं।